हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अवामी मुस्लिम लीग के सरबरा जनाब शेख रशीद अहमद साहब मेरे साथ हैं। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शेख साहब, शायद आपके नॉलेज में हो कि लंदन से रवानगी से पहले जनाब मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे और उसके उस डिसीजन के हवाले से जिसमें जहांगीर खान तरीन तो डिस्क्वालीफाई हुए लेकिन इमरान खान डिस्क्वालीफाई नहीं हुए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे जनाब नवाज शरीफ साहब ने अदम एहतमाद का भी इजहार किया, ताबड़तोड़ हमले भी किए, बड़ी सख्त जुबान भी इस्तेमाल की और उन्होंने ये भी कहा कि वो पाकिस्तान पहुंच के रेस्टोरेशन ऑफ लॉ के लिए, कानून की हाकमियत के लिए एक तहरीक चलाएंगे। क्या होगा? देखें, बेसिकली उनको दुख है कि हुदैबिया का फैसला शहबाज शरीफ के हक में क्यों आ गया है और उनके पेट में मरोड़ उठ रहा है। इमरान खान का तो नाम ले रहे हैं, अगर इमरान खान डिस्क्वालीफाई हो जाता तो इस मुल्क में इलेक्शन ना होते, इस मुल्क में खाना जंगी होती, तखरीब होती, एक एक पैसे की मनी ट्रेल जो है वो बता दी गई है और क्रेडिट गोज़ टू जमैमा कि जिसने 40 साल पुराना रिकॉर्ड भी दिया। और दूसरी बात, कौम को ये समझ होनी चाहिए कि इमरान खान के पास कोई सरकारी पोर्टफोलियो नहीं था ना है, और ये उसके तहरीक किसके खिलाफ चलाने जा रहे हो? नवाज शरीफ अपनी हुकूमत के खिलाफ। तोड़ दे फिर खाकान अब्बासी असम्बलियाँ, वरना असम्बलियाँ टूटने जा रही हैं, असम्बलियाँ टूट जाएंगी। इस मुल्क को बचाना अदलिया का भी फ़र्ज़ है, सियासतदानों का भी फ़र्ज़ है, फ़ौज का भी फ़र्ज़ है। आज मैं पहली दफ़ा दारों का नाम बराह रास्त फ़ौज में ले रहा हूँ। मजाक नहीं है कि पाकिस्तान की सलामती इन छिछोरों के हाथों में खेली जा रही है हर रोज़। ये क्या बेचते हैं? चलाएं तहरीक। शेख साहब, वो तहरीक चलाने की बात नहीं कर रहे, वो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ तहरीक चलाने की बात कर रहे हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया इनका, इसको नाहल करार दे दिया बस? यानी सारा मुल्क जो है तबाह बर्बाद हो गया है, सुकूते ढाका हो गया। नवाज शरीफ अगर खुदा ना खास्ता इस सोच में आ गया है, इससे बड़ा बेवकूफ सियासतदान बरसगीर पाको हिंद में नहीं पैदा हो सकता। इससे बड़ा जाती मफाद परस सियासतदान जिसको डर है कि उसकी लूटी हुई दौलत लुट जाएगी, तीन दफा प्राइम मिनिस्टर आया, चिल्लू भर पानी में डूब मरे, अब इस मुल्क की सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ निकलने जा रहा है। फिर लीड कराए ना खाकान अब्बासी, लीड करे, एहसन इकबाल उसके पीछे हो, सरदार आसफ उसके पीछे हो, चौधरी निसार उसके पीछे हो और ये खुद आगे हो, फिर इन पे शेलिंग हो, फिर इन पे आंसू गैस चले और फिर पता लगे कि मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जो है वो आंसू गैस के धुएं में जो है जनाब अली रुमाल पहुंचते पाए किस तरह। ये फिर मैं आज पेशन गोई करने जा रहा हूं, दिस नवाज शरीफ वांट, असली नवाज शरीफ निकल आया बाहर। ये गैर मुल्की एजेंडा है इस मुल्क को डिस्टेबल करने का, नवाज शरीफ उसका एहलकार है, नवाज शरीफ उसका फ्रंट मैन है। गैर मुल्की, जब आप गैर मुल्की एजेंडे की बात करते हैं तो किस मुल्क का एजेंडा है ये जिस पर नवाज शरीफ साहब काम कर रहे हैं? इसमें सुपर पावर्स इन्वॉल्व हैं, पाकिस्तान का रुझान रूस, ईरान और चीन की तरफ इतना बढ़ता जा रहा है और इसकी जुग्राफियाई अहमियत इतनी ज़्यादा है कि अमेरिकन और उसके अलाई इंडिया को ये पसंद नहीं है। ये लंदन क्यों जाते हैं? क्या टेलीफोन पे बात नहीं हो सकती खाकान अब्बासी की? हफ्ते में तीन दफ़ा गया है लंदन सरकारी खर्च पे, हराम का माल है, कोई हराम का माल है, 200 अरब रुपये का LNG का माल खा के। इंशाल्लाह ताला मैं 27 तारीख को आखिरी जलसा करके मैं फारिग हो जाऊंगा डेरा गाजी खान में, मैं आ रहा हूं LNG में भी और हुदैबिया में भी, क्योंकि ये मिली भगत हुई है हुदैबिया में। लेकिन शेख साहब, मुझे एक एतराज़ है। शेख साहब, आप ये तो नहीं कह रहे हैं ना कि खाकान अब्बासी साहब भी गैर मुल्की ताकतों की साजिश के आलाकार हैं? नवाज शरीफ साहब के बारे में तो बहुत से लोग ये कहते हैं, खाकान अब्बासी साहब के बारे में कोई ये नहीं कह सकता कि वो कोई हिंदुस्तान के एजेंडे पर काम कर रहे हैं या अमरीका के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। खाकान अब्बासी ने फैसला करना है कि उसने विकेट पे खेलना है या विकेट की दोनों तरफ खेलना है। लास्ट एंड फाइनल कॉल, लास्ट एंड फाइनल चांस फॉर खाकान अब्बासी एंड बेस्ट ऑप्शन फॉर खाकान अब्बासी इज़
to dissolve these parliament immediately. Immediately. Otherwise, वही जिस तरह उसने जुलूस निकाला सारा सारी पुलिस उसको आज वो लंदन से उतरा है सारी पुलिस और प्रोटोकॉल और बम प्रूफ गाड़ियाँ और सिग्नल फ्रीज जो गाड़ियाँ चल रही हैं ना हल करप्ट ना लायक नकम्मे निकट्टू डिसऑनेस्ट लगिश झूठे खाइन लोगों के लिए तो फिर निकालो खोलो जेल में से सारे लोगों को जो बेचारे फ़ोन खींचने में फ़ोन चोरी करने में या गाड़ी का व्हील कप चोरी करने में 10-10 साल से बैठे हुए हैं ये रोज़ लंदन जा रहे हैं रोज़ आ रहे हैं नैब का पुराना स्टाफ इनको सज़ा देने नहीं जा रहा जी जस्टिस जावेद इकबाल से लोगों को बहुत उम्मीदें हैं मैं बहुत बड़ा एलिगेशन लगाने जा रहा हूँ आज मुईद आपके प्रोग्राम में ये सदर मुई सदर जो है क्या ममनून इसने जान बूझ कर स्पेशल प्रोसिक्यूटर जान बूझ कर उन्होंने 5 प्रोसिक्यूटर दिए कि इन केसों पे लगाए जाए ये नहीं साइन करेगा इस मुल्क में सियासी इन्हतात मेरी बात को ज़रा समझो अल्फाजों में आइनी बहरान आइनी खलफशार और मुल्क के एक मुतबादल निज़ाम के दरवाज़े खुलने लगे हैं जब इस मुल्क का डमी प्राइम मिनिस्टर और इस मुल्क का नाहल हकीकी ये तो हुकूमत चलाने वाला तो आप वही फिनिश कर रहे हैं जो एक टेलीविजन जो मुशर्रफ साहब ने भी यही बात कही है कि अब एक इंटरिम गवर्नमेंट बननी चाहिए सुप्रीम कोर्ट का कंसेंसस होना चाहिए वो लॉन्ग टर्म हो वो फौरी तौर पे उसको इलेक्शन ना करवाने पड़े वो 6-7 महीने बैठे ताकि सिस्टम को ठीक करे ये तो मुशर्रफ साहब भी कह रहे हैं या आप उनकी बात मुझे नहीं पता क्या कह रहे हैं मुशर्रफ का नाम मैं टीवी देखता हूँ मैं अपनी बात कहता हूँ आज नवाज शरीफ ने ये फुलझड़ी चलाई है इसमें ये खुद जलेगा इसमें ये निज़ाम जलेगा इसमें ये सारा सिस्टम जलेगा और फिर ये इंटरम 6 महीने के लिए होती है या 2 साल के लिए होती है नो वन कैन से बेहतर ये एक इलेक्शन हो जाए गवर्नमेंट डिसॉल्व हो फौरी तौर पर और बेशक पुरानी नशिस्तों पर ही पुरानी मरदमशुमारी पर ही सुप्रीम कोर्ट जो है वो ऑर्डर दे और इलेक्शन हो जाए अदरवाइज दिस कंट्री इज गोइंग इन सीवियर क्राइसिस एंड दिस इज़ ए इंटरनेशनल एजेंडा फ़ौज इसमें दखल देगी जब फ़ौज इसमें दखल देगी ये फ़ौज के ख़िलाफ़ बकवास करेंगे और ये फ़ौज के ख़िलाफ़ बकवास कर रहे हैं अदलिया का नाम ले रहे हैं अदलिया तो कानून की इलमबरदारी है उसके पीछे फ़ौज खड़ी है अगर 199 के तहत 199 के तहत सुप्रीम कोर्ट को चीफ जस्टिस हुक्म देता फ़ौज को कि जनाब ये मसला किया जाए तो क्या वो नहीं करेगी जी कल वो चीखता रहा कि हम पे मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा सबसे पहले आज मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा आज मैं आपका सवाल नहीं सुनूंगा जी मुझे बहुत गुस्सा है आज नहीं मैं सुनूंगा आज मैं आपका सवाल नहीं सुन रहा मैं स्ट्रेट वे कह रहा हूँ कि ये बहुत बददियानती का फैसला जजेस ने नहीं किया ये प्रोसिक्यूटर्स ने किया है और फिर अगली अदालतों से भी जो कमर जमान के टाइम की बनी हुई है ये तो क्या नहीं की जा सकती कि इंसाफ के फैसले होंगे नैप बेईमान है उदैबिया पेपर मिल्स के केस में फैसले की बात कर रहे हैं मैं उदैबिया पेपर मिल के केस को दोबारा जिंदा करके इंशाल्लाह बताऊंगा और नैप के जरिए बताऊंगा मैं जस्टिस जावेद इकबाल को जिंदगी में पहली दफा मिलने जाऊंगा और विद फुल प्रूफ जाऊंगा कि ये सारी बदमाशी हुई है ये मिले हुए थे और अच्छा, मैं उसको मिलने जा रहा हूँ मैं शेख साहब इसकी तरफ आना चाह रहा था आपने कहा कि नवाज शरीफ साहब को ये दुख है कि शहबाज शरीफ को एक लीज ऑफ लाइफ मिल गई है या वो बेल आउट हो गए हैं हुदैबिया केस में लेकिन दुख तो आपको भी बहुत है ऐसे आपके ताल्लुक वाले जो हैं उन्होंने मुझे बताया है कि इस फैसले के बाद आप भी बड़े दुखी थे यानी रोते पाए गए आप तो बड़े सख्त आप डिप्रेशन में थे कि ये किस किस्म का फैसला हो गया सही कहते हैं आप बिल्कुल ठीक कहते हैं क्यों कहते हैं तो मेरी अब आप इसमें बीच में अब इसमें आप बोलिएगा नहीं अरबों रुपए का केस 33 मिलियन US डॉलर का केस अलबरका और तफी का केस जिसकी फाइल को खोला भी नहीं गया यार जालमो चोरों डाकुओं इसको खोलो तो सही किसी ने इस केस को हाथ नहीं लगाया आज तक इसकी कोई इंक्वायरी नहीं हुई आज तक इस साकडार को बुलाया नहीं गया आज तक इस केस की फाइल से झाड़ पूछ भी नहीं की गई कि इतना बड़ा माल मेरा माल मेरे लोगों का मेरा तो आगे पीछे कोई नहीं मेरी अकेली जान है और मैं जो आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है इतने सालों में इस केस की कोई झाड़ फूंक नहीं हुई ये सारे बदमाश और चोर
ये इन्वेस्टिगेटर्स को ख़रीद लेते हैं, मैं जजेस पे इल्ज़ाम नहीं लगाता, इल्ज़ाम लगा रहा हूँ कि ये प्रोसिक्यूटर बेईमान थे और एक साजिश हुई है। साजिश के तहत जो जस्टिस जावेद इकबाल ने प्रोसिक्यूटर स्पेशल नाफिज भेजे नाम, उस पर अमल नहीं किया और उसके साथ उस राना सनाउल्ला का बयान देखें, वो कहते हैं हम ये स्पेशल प्रोसिक्यूटर नहीं लगाएंगे। और जब उसको पता लगा कि मेरे ऊपर रेजिग्नेशन की इतनी बात आ रही, वो शहबाज शरीफ से स्विच ऑफ कर गया। मैं कौम को बड़ी खबर दे रहा हूं कि मैं जस्टिस जावेद इकबाल को मिलने जा रहा हूं, वो कह रहे हैं कि हफ्ते में कुछ दिन वो मुकर्रर कर रहे हैं। लेकिन शेख साहब राना सनाउल्ला का नैब के अंदर इंटरनल डायनामिक्स पे क्या कंट्रोल? नैब तो एक वफाकी इदारा है। सर उसने कहा कि नहीं लगेगा स्पेशल प्रोसिक्यूटर, मैंने खुद सुना है, आप मेरी बात पे यकीन तो करें ना, कि मैंने झूठ नहीं बोलता, अल्लाह ना करे वो वक्त आए, मैं सियासत छोड़ सकता हूँ, झूठ नहीं बोलूँगा, जो सच समझता हूँ वो कहूँगा। सच ये है कि मैंने खुद सुना कि राना सनाउल्ला ने कहा कि ये तो शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा था कि एक रुपए की करप्शन साबित हो जाए तो मैं छोड़ दूंगा। यहाँ तो अरबों की बात हो रही है, उसकी इस मुल्क में कोई करप्शन नहीं, करप्शन पे नहीं निकाला जा रहा जी। इस मुल्क में हर चीज बिकती है, प्रोसिक्यूटर बिकता है, इन्वेस्टिगेटर बिकता है, थाना बिकता है, DSP बिकता है, SP बिकता है, FIA बिकता है। नहीं बिकता तो गरीब के लिए कोई कानून जिंदा नहीं है, ये बड़े लोगों के कानून हैं। कौम तैयार हो जाए, अगर इस मुल्क के नसीब में एक दफ़ा खाना जंगी, अल्लाह माफ़ी दे खाना जंगी तो नहीं, अगर खून का बहना निकलना है, अगर खून ने बहना है तो ये गंदा खून अब बह जाना चाहिए। इस मुल्क की ज़िंदगी और तरक्की के रास्ते में ये गैंग ऑफ 5 एंड देयर 30 किड्स, दे आर बदमाश, दे आर डकैत्स, दे आर चोर, दे आर थीफ, और ये सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ निकलने जा रहे हैं तो फिर निज़ाम क्या रह गया जी? फिर ये चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट ना हो तो मार्शाल्लाह की अदालतें हों। मैं आपसे सवाल करता हूं, इफ देयर इज नो सुप्रीम कोर्ट टू डिसाइड दैट हु इज अ थीफ, अगर चोर और चौकीदार में, कातिल और मकतूल में, जालिम और मजलूम में, बेईमान और ईमानदार में, दयानतदार और बेदयानत में फैसला सुप्रीम कोर्ट की आखिरी अदालत ने नहीं करना तो फिर क्या मार्शाल्लाह कोर्ट्स ने करना है 3-3 दिन में फैसला करके? और वो आप निजाम चाहते हैं कि कोड़े लग रहे हैं और बेनजीर हॉस्पिटल के अंदर और आगे लाउड स्पीकर लगाओ कि कोड़ों की आवाज़ जाए, हमने ये कोड़ों की सजाओं से बचे हुए लोग हैं। हमें आप इल्ज़ाम देते हैं कि हम फौज के तर्जमानी करते हैं, हम फौज को रोकना चाहते हैं, रुक जाओ ना आना, ये साजिश है फौज को अंदर लाने की। और फौज में इतना दिमाग होना चाहिए, इतनी सोच होनी चाहिए और इतनी जुर्रत भी अब होनी चाहिए। नाउ द क्वेश्चन ऑफ द ब्रेवनेस एंड ब्रिलियंटनेस ऑफ द लीडर ऑफ कमांड ऑफ द फॉर्मेशन कमांडर्स टू किल ऑल दिस नवाज शरीफ साहब, ये ऐन मुमकिन है कि नवाज शरीफ साहब और उनके जो एडवाइजर्स हैं, जैसे कि आप इल्ज़ाम लगाते हैं फॉरेन एडवाइजर्स हैं, वो लंदन से बैठ के उनको जो मशवरे दिए जाते हैं, खा हिंदुस्तान की तरफ से या अमेरिका की तरफ से, नवाज शरीफ साहब को पता है कि फ़ौज इस सूरत हाल में है नहीं है कि वो आके फ्रंट से पाकिस्तान की गवर्नमेंट संभाल ले। अगर ऐसा होगा तो फ़ौज एक बहुत बड़े इंटरनेशनल क्राइसिस का शिकार कर दी जाएगी। गालिबन ऐसे मास्टर प्लान और ऐसे स्क्रिप्ट जो हैं वो लिखे जा चुके हैं, इसीलिए नवाज शरीफ साहब चाहते हैं कि फ़ौज को मजबूर कर दें, वो चाहते हैं कि ऐसे हालात पैदा कर दें। देखें आखिर जो धरने हुए हैं उन धरनों के बारे में, जो इस्लामाबाद में धरना हुआ था उसके बारे में भी तो बड़ी मतजाद किस्म की ओपिनियंस जो है वो पाई जाती हैं। तो आप कहाँ उम्मीद लगा के बैठे हैं? मुझे तो ऐसा लगता है कि नवाज शरीफ साहब एक बहुत ही ब्रिलियंट स्ट्रेटजिस्ट की हैसियत से सामने आ रहे हैं। नायब बेवकूफ़, नहायत जायले मुतलिक स्ट्रेटजी। इस फौज में इतनी सलाहियत है, इस मुल्क में इतनी डेप्थ है इस फौज में, और इतने क्राइसिस से गुजर चुकी है इस फौज में, इतने टैंक थिंक टैंक हैं कि वो सांप भी मर जाए और लाठी भी बच जाए। और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये इंडियन और अमेरिकन इन्फ्लुएंस एजेंट जो हैं, जिनके असरात नवाज शरीफ के जहन और सोचों पर आए हुए हैं, दे विल बी किल्ड, ऑलरेडी दे हैव किल्ड। असल मसला क्या है? असल मसला यह है कि इंटरनेशनल कॉन्स्परेटर्स को पता लग गया कि फौज ने ऑलरेडी काउंटर कर दिया है, कि उनका जो इन्फ्लुएंस एजेंट था उसको उठा के बाहर फेंक दिया है, और उनमें जो पाकबाज लोग हैं, जो पेट्रियाट लोग हैं, जो सेंस वाले लोग हैं, उनसे वो बातचीत में हैं। जब उन्होंने ये समझा कि ये भी इस काबिल नहीं है, देन ऑल दीज विल गो इन डस्टबिन। और फौज जो है, देखिए शेख साहब, अब आप पहले मुझे बात खत्म कर लें,
आप मुझे बात ख़त्म करने दें। ऑलरेडी फौज ने इंटरनेशनल फोर्सेस को डिफीट दे दी है कि आए बगैर इनके पोस्टमार्टम कर दिया है कि ये इतने करप्ट थे, ये इतने खाइन थे, ये इतने बददियानत थे। और पांच जजों के फैसले के बाद एक ऐसा फैसला जो भी कानून और आइन के मुताबिक है, मैं समझता हूँ हुदैबिया वाला, मैं ये नहीं कहता, लेकिन उसमें इन्होंने दे आर हायर एंड बायर एंड द परचेजर, दे आर बिजनेसमैन, ये अपने मतलब के लिए लगाते हैं, मतलब के लिए पाँव पड़ते हैं और जब मतलब निकल जाता है गले पड़ते हैं। इन्होंने हायर किया उन प्रोसिक्यूटर्स को जो बदले जाने थे, उनको पता था नया जस्टिस जावेद इकबाल आ गया, वो हमें बदलेगा, उनके बदलने से पहले इन्होंने ये कार्रवाई डाली है। और उनको इतनी जल्दी थी कि उन्होंने ऑल ऑफ सडन ना नोटिस दिए उनको, ना कुछ दिया, और केस को उठा के बाहर फेंक दिया। अगर नवाज शरीफ ये समझता है कि वो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ निकलने जा रहा है तो आज से ही शाम को, वरना मैं 27 तारीख को डेरा गाजी खान में ऐलान करूंगा कि हम हुदैबिया के लिए बाहर निकलने जा रहे हैं, और पिंडी से निकलूंगा रेल पे और कराची में मज़ारे कायदे आज़म पर जाकर 25 तारीख को दम लूंगा। फिर ना, ये अभी फाइनल नहीं है, ये मैं सोच रहा हूं। अगर चोरी की हिफाजत के लिए निकल सकते हैं तो जुर्रतमंद पेट्रियाट मुसलमान पाकिस्तानी भी अपने मुल्क के दिफा के लिए निकल सकते हैं। शेख साहब, मुझे एक ब्रेक लेने दीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि शेख साहब की मंतक में और लॉजिक में बहुत से डिफेक्ट्स हैं, बहुत से होल्स हैं, और मैं उन होल्स को एड्रेस करना चाहता हूं शेख साहब के साथ एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, वेलकम बैक। शेख साहब, पहला मेरी जो पहली ऑब्जेक्शन है आपकी मंतक के ऊपर, आपकी लॉजिक पे, वो ये है कि आपकी बातों से ऐसा लगता है जैसे हुदैबिया केस में सिर्फ शहबाज शरीफ साहब बेल आउट हुए हैं, लेकिन अगर आप गौर से देखिए तो हुदैबिया केस के नतीजे में जो फैसला आया है, जहां नैब की अपील रिजेक्ट हो गई है केस को, यानी कि इन्वेस्टिगेशन के लिए जो अपील थी उसके रिजेक्ट होने के नतीजे में, शहबाज शरीफ साहब तो फौरी तौर पर ज़रूर ऐसा लगता है कि बेल आउट हुए हैं, लेकिन उसके नतीजे में इसहाक डार साहब भी बेल आउट हुए हैं। जब इसहाक डार साहब बेल आउट हुए हैं तो उन पर जो ज़हनी दबाव था जिसके नतीजे में वो बीमार पड़े थे लंदन में, वो अब ख़त्म हो गया है। उनके लिए ये मुमकिन है कि वो इस्लामाबाद में जो नैब का केस है जो 28 जुलाई का सुप्रीम कोर्ट के फैसले के नतीजे में चल रहा है, उसमें अब इसहाक डार साहब जो हैं वो ज़्यादा ताकत से, ज़्यादा एहतमाद से अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं। जब इसहाक डार साहब जो हैं वो कॉन्फिडेंस गेन करते हैं तो नवाज शरीफ साहब को फ़ायदा होता है। सो पूरा एक चेन ऑफ इफेक्ट है इसके अंदर। और नवाज शरीफ साहब जब तहरीक चलाने की बात करते हैं, वो इमरान खान डिस्क्वालिफिकेशन केस की तरफ इशारा कर रहे हैं, उस पर बेस कर रहे हैं, लेकिन दर हकीकत नवाज शरीफ साहब को जो एतमाद मिल रहा है, जो कॉन्फिडेंस मिल रहा है, वो हुदैबिया पेपर मिल केस की जो अपील है उसकी रिजेक्शन के नतीजे में मिल रहा है। शेख साहब, मेरा ये इस्तदलाल है, आप बताइए। काफी हद तक मैं आपकी बात से इत्तफाक करता हूं, लेकिन इसहाक डार मुझे आता दिखाई नहीं देता। ये केस खुलेगा हुदैबिया वाला, 164 के बयान पर अगर वो आएगा एक दिन, खुद कहेगा कि हां मैंने दिया है। ये लातों के भूत बातों से नहीं मानते, ये मीडिया खेल रहे हैं। इनके पास हराम की दौलतों के ढेर हैं, इनके टावर हैं डॉलरों के, और वो क्या होता है यूएई की करेंसियों के, इनके टावर्स हैं, ट्विन टावर्स हैं दौलतों के। ये घरों में इन्होंने बोरियों में रखी हुई ये दौलतें हैं, ये लूटी जाएंगी सारी। अब देखें, सारी कौम सुप्रीम कोर्ट के पीछे खड़ी है और फौज ये कह रही है कि हम आइन और कानून के पीछे खड़े हैं। अभी क्वेटा में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा कि हम किसी गैर आइनी गैर कानूनी काम में शामिल नहीं होंगे। बट आई आस्क, सॉरी टू से टू आस्क, कि अगर मुल्क जल रहा होगा, मुल्क में अफरा तफरी होगी, मुल्क में चोर धंधनाते फिरेंगे, तो आपके फौज के पास तो दहशतगर्दों से लड़ने के लिए पैसे नहीं होंगे। आधी एक्सपोर्ट रह गई है आपकी, अगर 52 अरब रुपए की इंपोर्ट है तो 25 अरब रुपए की होगी सिर्फ आपकी एक्सपोर्ट। आपका खसारा कहाँ टच करने जा रहा है? आपने किस्तें देनी है, किस्तें देने का पैसा। कंट्री इज इन ए सीरियस फाइनेंशियल क्राइसिस, पॉलिटिकल क्राइसिस, सोशल क्राइसिस एंड इंटरनेशनल क्राइसिस। एट दैट स्टेप आर्मी पीपल पॉलिटिशियन एंड द जुडिशरी हैव टू टेक ए जॉइंट स्टेप टू सेव दिस कंट्री एंड किक आउट ऑल who have destroyed our economy।
शेख साहब, लेकिन आपको ये उम्मीद कैसे हो गई कि हुदैबिया का केस अब दोबारा खुल सकता है? जितने पाकिस्तान के बड़े बड़े यानी वकला हैं, जो लीगल माइंड्स हैं, जिसमें डॉक्टर फारूक नसीम भी हैं, जो खुद आपके एक और केस में वकील हैं जिस पर मैं बात करना चाहता हूँ, उन्होंने भी कल इसी खदशे का इजहार किया है कि रिव्यू जो है वो बड़ा कमज़ोर सा इंस्ट्रूमेंट होता है, रिव्यू के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। इसी नैब ने रिव्यू के लिए दोबारा जाना है, अगर ये पहले तैयारी करके नहीं गए, इन्होंने केस जानबूझ के कमज़ोर बनाया, ये दबाव में थे, कोलूजन था, दोबारा भी ऐसा ही होगा, ये कैसे खुल सकता है? बाज़ रोशनियाँ मेरे दिल के अंदर हैं, मैं उन मुसलमानों में से हूँ जो लातदाद दफ़ा रोज़ा रसूल के अंदर गया है और खाना काबा के अंदर गया है, और काबा की छत में भी मैंने सजदा दिया है। उस काबे के खुदा से मुझे उम्मीद है कि मैं ये केस जीतूँगा और ये केस अपने अंजाम पे पहुंचाऊंगा। आप इस केस में प्लेंटिफ कैसे बनेंगे? ये केस पे तो रिव्यू में सिर्फ नैब ही जा सकती है ना, नैब ही जाएगी प्लेंटिफ के तौर पे उसी बेंच के पास। आप कहां से प्लेंटिफ बन रहे हैं इसमें? पहले भी तो मैंने ये केस लगवाया है, पहले भी तो मैं सुप्रीम कोर्ट में पेश हुआ हूं, मैं नैब के पास ही जा रहा हूं, मैं खुद तो नहीं जा रहा सुप्रीम कोर्ट में, मैं तो जस्टिस जावेद इकबाल से पहली दफ़ा मुलाकात करूंगा। उस वक्त की थी जब ये केस था उसामा बिन लादन के ट्रिब्यूनल का, और उसमें मैं पेश हुआ था, और मैं जाऊंगा और उनके सामने ये हकायक रखूंगा। अगर रिव्यू में भी ये रिजेक्ट हो जाए, आप ये तो नहीं चाह रहे कि आप नैब के खिलाफ एक मुकदमा करना चाह रहे हैं कि नैब ने इनकॉम्पिटेंस की है, नैब ने करप्शन की है, नैब ने कोलूजन की है? मैं तो सरेआम ये कह रहा हूँ, मौजूदा नैब ने नहीं, वो नैब जो पुरानी नैब नवाज शरीफ की नैब थी उनके प्रोसिक्यूटर ने की है, और मैं ये केस लेके जा रहा हूँ जस्टिस जावेद इकबाल के पास। इतनी बड़ी मैं ख़बर आपको दे रहा हूँ, और इसमें जो खामियाँ खौल हौल प्रॉब्लम होंगे वो मैं पढ़े लिखे समझदार लोगों से डिस्कस करके जाऊँगा इंशाल्लाह, और ये एक दो दिन में ही जाऊँगा। एक और बड़ा पढ़ा लिखा, एक और आपने बहुत ही पढ़ा लिखा ब्रिलियंट वन ऑफ द फाइनेस्ट लीगल ब्रेन आपने हायर किया है एक केस के लिए, डॉक्टर फारूक नसीम जो हैं उन्हें आपने हायर किया है उस केस में, जहां नवाज शरीफ साहब अपनी पार्टी के डिस्क्वालीफाई होने के बावजूद सदर इलेक्ट हुए हुए हैं, वहां पे आपको क्या उम्मीद है? वहां तो उसको उन्होंने नेशनल असम्बली से भी उस पर मोहर लगा ली है, सबत कर ली है, वहाँ पर क्या उम्मीद है आपको, वो कब सुना जाएगा? वो तो 120% फ़रोग नसीम ने जाके अपील भी की है चीफ़ जस्टिस साहब से, और उसमें लतीफ़ खोसा खड़ा है, उसमें चोटी के और वकील भी खड़े हैं, फ़रोग नसीम खड़ा है, पीपल्स पार्टी पहली दफ़ा पार्टी बन रही है। इस पार्टी को मैंने पनामा में कहा था पार्टी बनो, ये बहुत बड़े दिमाग थे एतज़ाज़ अहसन साहब और आसफ़ जरदारी साहब और ये सारे लोग, और मैं मशकूर हूँ इमरान ख़ान का, उसने मेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया, वरना PTI की पार्टी भी वो केस नहीं लड़ रही थी। 90% PTI कह रही थी जी हार जाएंगे शेख साहब, मैं कहता था नहीं जीतेंगे, सो थैंक्स टू इमरान खान कि उसने कहा नहीं ठीक कह रहा शेख रशीद। ये कौन सा केस है जिसमें PTI समझती थी कि हार जाएंगे? ये कौन सा केस है? पनामा केस। अच्छा, आपने हिम्मत दी? मैंने बैक किया, हिम्मत तो बहुत अजीब सी चीज होती है। आई रिक्वेस्टेड देम पर्सनली, आई वेंट ट्वाइस, और आई एम ग्रेटफुल टू इमरान खान और सारी जिंदगी रहूंगा कि उसने कहा ठीक कहता यार, इसकी बात में वजन है कि भाई दुनिया सारी रिजाइन दे तो शेख साहब, हम सारी दुनिया तो इमरान खान के पीछे, सारी PMLN तो इमरान खान को यानी पत्थर मार रही है, वो उनको कह रहे हैं फैनेटिक है, पीछे पड़ गया, इसने ये कर दिया, ये आपने करवाया? करवाया तो अल्लाह ने है, लेकिन वर्करों का भी कुछ ना कुछ दखल होता है, जो मैंने बात कही है उस पर उसी उतने तक ही रहूँ, वरना ये ना हो कल ये बात का बतंगड़ बन जाए। मैं इतना ही कहता हूं कि आई एम ग्रेटफुल टू इमरान खान, वरना PTI ये केस लड़ने के लिए तैयार नहीं थी। अच्छा, ये बड़ी वैसे दिलचस्प आपने बात की शेख साहब, लेकिन जस्टिस ये जो डॉक्टर फारूक नसीम को लेके आप प्लेंटिव बन रहे हैं, ये जो एप्लीकेशंस हैं, ये जो पटिशंस हैं इस फैसले के खिलाफ, जहाँ पे नवाज शरीफ साहब दोबारा अपनी पार्टी के सदर बन के बैठ गए हैं बावजूद इसके कि वो डिस्क्वालिफाइड हैं, ये तो बहुत सी पिटिशंस कई हफ्तों से सुप्रीम कोर्ट के सामने आ चुकी हैं और किसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने गुरेज किया है, अभी तक तो ये केस की समाअत ही नहीं शुरू हुई, लगा ही नहीं है ये। देखें, छुट्टियों के बाद लग जाएगा, इस केस में कोई जान नहीं है, एक शख्स के लिए कानून नहीं बन सकता, और सुप्रीम कोर्ट पर जैसा कल चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि सारा सियासी कचरा जो है वो सुप्रीम कोर्ट पे ना फेंका जाए, सुप्रीम कोर्ट पे इतना बोझ है कि वो दूसरे लोगों के भी केसेस सुनना चाहते हैं,
और छुट्टियों के फौरी बाद ये लग जाएगा और एक नहीं तो दूसरी हेयरिंग में ख़त्म हो जाएगा। उससे पहले पहले नवाज शरीफ जनवरी में अपना सियासी फैसला कर चुके होंगे, उनको पता है कि मेरी सियासत ख़त्म होने जा रही है, इसलिए वो लड़ाई करेंगे। वो हीरो बनना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि वो जेल जाएं, भरें जेलें। इनको भी पता लगे कि वो आम आदमी कैसे जेलों में गुजारा करता है। सो ये केस छुट्टियों के बाद फौरी तौर पर लग जाएगा इंशाल्लाह, 24 से या 26 से छुट्टियाँ, उसके बाद ये केस लग जाएगा। बट शेख साहब, आधी चीज़ें जो आप कहते हैं वो नहीं होती हैं। हुदैबिया पेपर मिल केस के बारे में भी आपने इसी किस्म के दावे किए थे, इसी किस्म की उम्मीदें आपको थी कि भाई ये तो बस एक झटके में हो जाएगा, लेकिन मैं तो कौम को उम्मीद ही दिला सकता हूँ ना। मैं मायूसी तो नहीं फैलाना चाहता, मैं खाना जंगी नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता कि लोग आस्तीनों में से पिस्तौल निकालें और जो चोर और डाकू और असल लुटेरे हैं उनको, उन पर हमला आवर हों। मैं चाहता हूँ अदालतें ही फैसला करें। इसलिए मैं लोगों को, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, अपनी सियासत को नुकसान पहुँचा लेता हूँ। लोग मुझे बतौर पामिस्ट इस दुनिया में, इंडिया सारी मुझे बतौर पामिस्ट पॉलिटिशियन डिस्कस करती है और मेरी पेशेंट गोइयों को इंडिया सारा डिस्कस करता है। ये जो पामिस्ट पॉलिटिशियन है, इसने बैरिस्टर एतजाज एहसन जो पाकिस्तान के फॉरमोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं और कई दफ़ा सुप्रीम कोर्ट के अमाइकस यानी के फ्रेंड की हैसियत से काम कर चुके हैं, वो कहते हैं कि अब उनको सुप्रीम कोर्ट स्प्लिट नज़र आती है। चीफ जस्टिस नहीं मानते, लेकिन एतजाज एहसन का अपना एक मुकाम है इन टर्म्स ऑफ लीगल एनालिसिस, वो समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट स्प्लिट नज़र आती है। और अगर सुप्रीम कोर्ट वाकई ही स्प्लिट है तो जो फैसले आप उससे तवक्को कर रहे हैं वो तो शायद मुमकिन ही होंगे। देखें, अल्टीमेटली फैसला अल्लाह का है। इन्होंने नामूसे रसालत के साथ गद्दारी की है, उसकी पकड़ में है, जो मर्जी कर लें इन्होंने जाना है। मेरा तो ईमान है, जब मैंने कौमी असम्बली में नामूसे रसालत की बात उठाई थी, उसे 18 करोड़ 35 लाख लोगों ने सुना। जिंदगी में गलती से एक ही दफा स्पीकर खुला रह गया। ये सारे मुझे मारने के लिए दौड़े, मेरी अकेली आवाज थी। इन मुल्लाओं ने भी वोट दिए, इतनी इतनी बड़ी दाढ़ी वालों ने वोट दिए। मैंने कहा मैं मर जाऊंगा, मैंने जुमे का नोटिस दिया, वीडियो बयान जारी किया जिसे करोड़ों लोगों ने सुना। और मैं सारी कौम को कहता हूं कि मेरा बयान, मैं इंटरनेट का हामी नहीं हूं, मुझे ये आता नहीं है ट्वीट श्वीट, आप ही मेरे ट्विटर बन जाएं। मैं कौम से गद्दारी नहीं करूंगा, मेरा कोई मिशन नहीं है, कोई मेरा मिशन नहीं है। मेरा मिशन है काला काला रसूल अल्लाह का आलम बुलंद हो, गरीब की हुक्मरानी हो और पाकिस्तान कायम दायम रहे, जमहूरियत बचे। नवाज शरीफ का मिशन है कि जमहूरियत तबाह हो, और मुझे नज़र आ रहा है कि नवाज शरीफ कामयाब होने जा रहा है। जमहूरियत को शदीद खतरात लाहक हो चुके हैं। एक ब्रेक में ले लूँ, मसला ईमान का है, ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद आते हैं, बात को कंक्लूड करते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक। शेख रशीद अहमद साहब मेरे साथ हैं। शेख साहब, और भी बड़ी दिलचस्प चीज़ें हैं जो रह गई हैं। ये कहा जा रहा है, जैसे कि बिलावल भुट्टो ने कहा कि इमरान खान का तो एटीएम जो है वो बंद हो गया है। दूसरी तरफ जहांगीर खान तरीन साहब ने फौरी तौर पे, उन्होंने कोर्ट के डिटेल डिसीजन का भी इंतज़ार नहीं किया और उन्होंने फौरी तौर पे पार्टी के सेक्रेटरी जनरल से एक नोट लिख के इस्तीफ़ा उन्होंने दे दिया। ये और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नवाज शरीफ साहब डिस्क्वालीफाई हो गए कोर्ट से और उन्होंने पाकिस्तान के कवानीन जो है वो बदल दिए अपनी पार्टी की मदद से, और वो बड़ी ढिठाई से अपनी पार्टी के प्रेसिडेंट बन के बैठे हैं। और इसहाक डार साहब जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हो चुके हैं, जो जाली सर्टिफिकेट मेडिकल के भेज रहे हैं वहाँ से, वो वहाँ से हटने को तैयार नहीं है बावजूद उसके कि वो कोर्ट में एक्यूज्ड हैं करप्शन के केस में। इस मामले का क्या होगा, इसका कोई हल है? है, लीडर और गीदड़ में यही फर्क होता है। लीडर साबित हुआ है जहांगीर तरीन, मेरे जहांगीर तरीन से कोई जाति मरासम नहीं है। मैं उसके पास घर चल कर गया और उसको मुबारकबाद दी। अच्छा। लीडर और गीदड़ में वही फर्क होता है जो जहांगीर तरीन में और नवाज शरीफ में है। गीदड़ जो होता है ना, वो साला दाव में झाड़ी में छुप जाता है, वो किसी पत्तों के खौल में घुस जाता है, फिर वापस आता है, फिर मार खाता है, फिर जलील होता है। ची करे, बी करे, जी करे, इंशाल्लाह ताला दो चोटी के लायर उसके खिलाफ पेश हैं। जिस दिन ये केस लगा, फरोग नसीम साहब भी और मेरा छोटा भाई, छोटा के बड़ा ये नहीं पता, लतीफ खोसा, दोनों यूं उड़ाएंगे उसको, यूं यूं करके ये उड़ेगा। अच्छा, ये कैसा केस? लेकिन डार साहब को तो, डार साहब को तो रिलीफ मिल गई। सर, आप डार का सवाल कर रहे हैं, डार की क्या औकात है यार, डार की क्या औकात है, क्या औकात है? चाइनीज ने मुझे खुद कहा,
चाइनीज ने मुझे कहा कि शेख रशीद ये डार जो है इनका कमीशन फ्रंट मैन है। चाइनीज ने मुझे कहा सेंट्रल कैरेक्टर है डार साहब, सेंट्रल कैरेक्टर हैं हुदैबिया पेपर मिल केस के, सारी ट्रांजैक्शन बैंक अकाउंट खोलना, पैसे बाहर भेजना 1 अरब से ज्यादा, उनको वापस लाना 46 अकाउंट्स के अंदर, उस पर कर्जे लेना, उसके ऊपर अल्तौफीक ग्रुप के साथ डील करना, डूशे बैंक के साथ डील करना, सब चीजों का मरकजी किरदार डार साहब है। ज्यादा टाइम तो आप ले लेते हैं, फिर उसमें टाइम कितना बचता है। डार साहब ने सबसे बड़ी कमाई अब की है जो चाइना के ईसीसी के जितने डिसीजन हैं वो ट्विन टावर में उनके बेटे करते थे, जितनी कमीशन उन्होंने चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर में खाई है उसका आश्रय शीर भी नहीं है ये हुदैबिया। सर ये तो आप नया इल्जाम लगा रहे हैं शेख साहब, ये तो हमने कहीं पढ़ा नहीं है अभी तक। मैं लिखा हुआ आप एक लोग पढ़े होते हैं एक गुड़े होते हैं, मैं गुड़ा हुआ हूँ। पढ़े हुए हैं लोग एसेक्स एसेक्स कोलंबिया क्या क्या होता है और हार्वर्ड एलएससी भी है और मैंने बहुत सारे नलायक देखे हैं हार्वर्ड और बर्कले और एसेक्स और सेसेक्स में से भी कंपार्ट आती है उनको उर्दू पेपर बे में। जितने एसेक्स और सेसेक्स और बर्कले और हार्वर्ड के हैं उनके मेरे साथ जो है उर्दू पेपर बी में कंपार्ट आती थी। मेरा मतलब शेख साहब एडिटोरियली अगर हम एक चीज को पहले देखें तो सही है कि इंफॉर्मेशन को जो आप ये इल्जाम लगा रहे हैं कि इल्म और सियासत खुदा की दान, मैं खुदा को गवाह बना के कहता हूं जिसके कब्जे में मेरी जान है, उस खुदा को गवाह बना के कहता हूं कि चाइनीज ने मुझे कहा कि सारा डिसीजन दुबई में होते थे। अब आप खुश हैं मैं इतने बड़े मुल्क के, और ये मैंने चाओ से भी कहा उसके एम्बेसडर से, मैंने कहा जहाँ 440 फांसी तुमने वहाँ मिनिस्टर दिए, ये लाहौर मेट्रो वाले का मुल्तान मेट्रो वालों को फांसी दे के और रेलवे के मिनिस्टर की फांसी की क्लिप मुझे भेजो, मैं मुझे आता तो नहीं है अपने बंदे से कहूँगा ये आसम से या इससे कि ये बुलबुल से के चलाए या इमरान चलाए इसको ताकि पता लगे कि ये भी काफी। शेख साहब ये तो फिर एक अलग से केस बनना चाहिए कि सीपैक में जो कमीशन लिए गए हैं पिछले 3 बरस में सीपैक में जो कमीशन लिए गए हैं, और अगर जैसे आप कह रहे हैं कि ये डीलिंग्स दुबई से होती रही हैं और इसमें किकबैक है इसके अंदर कमीशन है, तो फिर तो 60 अरब के प्रोजेक्ट में $60 बिलियन के प्रोजेक्ट के अंदर तो अगर 10% भी कमीशन हो तो $6 बिलियन तो कमीशन हो गया इसमें। देखें 60 मिलियन में से अभी 14 बिलियन में से खर्च हुआ या 16 हो गया होगा, जनरली अभी 12 से 14 बिलियन खर्च हुआ है और वो भी ये लाहौर सखर मुल्तान सखर ये शुजात क्या नाम है उसका टाइप के लोग जो गवर्नर जो शहबाज शरीफ के जावेद सादक के सादक जावेद टाइप के लोग जो फ्रंट मैन है इसके शहबाज शरीफ के, इसमें इतने बड़े घपले हैं कि वक्त जो है वो बड़ा तेज़ी से गुजर रहा है, और अगर ये वक्त जो नवाज शरीफ करने जा रहा है इनकी सियासी मौत करीब आने जा रही है, ये सारे केस खुल जाएंगे। ऑलरेडी लोगों ने प्रोसेस शुरू किया है लेकिन अब लोग चाहते हैं हर केस शेख रशीद करे। मैं कोई इतना बड़ा लायर नहीं हूँ कि मैं कभी मैं एक शेख साहब एक आखिरी आपसे ओपिनियन लेनी है, 2 मिनट है मेरे पास, कि मुशर्रफ साहब ने कहा कि वो समझते हैं कि नए यार मुझसे मेरा सवाल करो मैं किसी का स्पोक्स पर्सन नहीं, आप इसको सपोर्ट करेंगे, आप मुझसे मेरा सवाल करें, मैं हर उस बात को सपोर्ट करूंगा जो इमरान खान कहेगा, और मैं आपके कहने को नहीं मानता, मैं आपके कहने को नहीं मानता भाई, मैं इमरान खान का जो फैसला होगा उसके साथ पैरा दूंगा। इमरान खान ने भी ऐसा फैसला नहीं किया, लेकिन शेख साहब जब तक नए सूबे नहीं बने जो यार आप दूसरों का सवाल मेरे मुंह में क्यों डाल आप दूसरों का सवाल मेरे मुंह में क्यों डाल रहे हो यार, तुम मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हो। नहीं नहीं किसका सवाल ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हो, मैं कह रहा हूं कि क्या मैं इमरान खान का इत्तेहादी हूं, मेरी बात सुने, मैं इमरान खान का इत्तेहादी हूं, अवामी मुस्लिम लीग के साथ खड़ा हूं, अवामी मुस्लिम लीग नए जब भी इलेक्शन होंगे इमरान खान के साथ मिलकर हिस्सा लेगी, जो इमरान खान फैसला करेगा उसके साथ पैरा दूंगा। थैंक यू वेरी मच शेख साहब, वक्त हमारा ख़त्म हो गया, बहुत शुक्रिया शेख साहब ने जो कुछ कहा, जो उनका एनालिसिस है उनका तज़िया है जो उनकी ओपिनियन है वो आपने सुनी। मैं इसमें सिर्फ ये याद ऐड करना चाहता हूँ टेल एंड के ऊपर कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो क्राइसिस और कायोस हम देख रहे हैं डिफाइंस का,
जहां कभी फौज पे हमले किए जाते हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट पे हमले किए जाते हैं, एक शख्स या एक खानदान इतना ताकतवर है कि रियासत पाकिस्तान से ज़्यादा ताकतवर नज़र आता है। उसकी वजह यह है कि एक सूबा दरमियान में 55% कंट्रोल जो है, बल्कि उससे बहुत ज़्यादा कंट्रोल सिर्फ एक सूबे में है। जब तक इस मुल्क में नए सूबे नहीं बनेंगे, जब तक पंजाब से नए सूबे नहीं निकलेंगे, पाकिस्तान में माना खेज जमहूरियत आ ही नहीं सकती। बात का अख्ताम करते हैं, अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।